आपको ऐसी बच्ची के बारे में बताते हैं जो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। ये है रतलाम की रहने वाली 13 साल की दीक्षिका गोस्वामी। मुख बधिर और एक पैर से दिव्यांग, जब दीक्षिका स्टेज पर डांस करने आती है तो देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। यही वजह है कि वह सोशल मीडिया पर छाई हुई है। वह अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है। रतलाम के डोसी गांव में अपने मामा दशरथ गिरी गोस्वामी के यहाँ रहती है। दशरथ बताते हैं कि दीक्षिका का जब जन्म हुआ तो उसका एक पैर अविकसित रह गया। गोस्वामी परिवार के लोगों ने इसे ईश्वर की इच्छा समझकर लालन पालन शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद दीक्षिका की एक और दिव्यांगता के बारे में पता चला। दीक्षिका सुन नहीं सकती, वह बोलना भी नहीं सीख सकी। परिवार वालों ने इंदौर और बदौड़ा तक उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन का खतरा और महंगे इलाज की वजह से इलाज मुमकिन नहीं हो सका। माता पिता मंदसौर जिले के केसौदा गांव में रहते हैं। यहां दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल की व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि उसके मामा दशरथ गोस्वामी उसे रतलाम ले आए। यहां वह नाना नानी के साथ रहती है। वह मुख बधिर व दिव्यांग के स्कूल में पढ़ाई करती है। दीक्षिका की रुचि डांसिंग में होने लगी। दीक्षिका सिर्फ इशारों में ही बात करती है। बिना संगीत सुने डांस करना और संगीत की ताल पर कदम मिलाना असंभव होता है। इसके बावजूद दीक्षिका का मन दूसरे बच्चों को डांस करते हुए देख कर नाचने का होता था। पहले वह घर पर, बाद में स्कूल में अन्य बच्चों के साथ डांस करने की कोशिश करने लगी। शुरुआत में स्कूल की टीचर उषा तिवारी और संगीत टीचर सोनू पंचाल ने उसे डांस के स्टेप और चेहरे की भाव भंगिमा में बताना शुरू किया, जिसे देखकर वह अन्य बच्चों से भी अच्छा डांस करने लगी। घर के लोगों का भी दीक्षिका को समर्थन मिला। उसने अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। दीपिका जहाँ जाती वहाँ एक ही पैर के दम पर डांस करती। खास बात यह है कि दीक्षिका ने डांस की ट्रेनिंग नहीं ली है। उसकी टीचर बताती है कि दूसरे बच्चों को देखकर दीक्षिका ने डांस सीखा। इशारों में ही क्लास टीचर को बताया। इसके बाद दीक्षिका की डांस यात्रा शुरू हुई। दीक्षिका के शिक्षकों ने भी इसकी कला को निखारने में मदद की। इसी बीच मंदसौर पशुपतिनाथ मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच पर जब दीक्षिका ने प्रस्तुति दी तो सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बन गई। उसने इशारों में बात की वह बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन डांस करना उसकी पहली पसंद है। वह टैलेंट हंट प्रोग्राम में परफॉर्म करना चाहती है। दीक्षिका जन चेतना मूक बाधिक स्कूल में 5वीं की स्टूडेंट है। स्कूल के प्रिंसिपल सतीश तिवारी बताते हैं कि वह पढ़ने में भी अच्छी है, खेलकूद में भी रुचि के साथ भाग लेती है। बचपन से ही बायां पैर अविकसित होने से वह घुटनों तक ही है। दीक्षिका मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही है। उसका छोटा भाई भी है। दीक्षिका की नानी कहती है कि जब उसकी दिव्यांगता के बारे में पता चला तो वह बहुत से सवाल मन में थे, लेकिन यह बालिका ने केवल अपना काम स्वयं कर लेती बल्कि परिवार का नाम रोशन कर रही है। दीक्षिका की सफलता में उसके मामा दशरथ गिरी गोस्वामी का योगदान भी है। पिछले 7 साल से मामा दशरथ गिरी उसे रोजाना स्कूल छोड़ने और लेने जाते हैं। दशरथ कहते हैं कि उनका सौभाग्य है कि दीक्षिका जैसी प्रतिभाशाली बालिका उनकी भांजी है। एक बार भी अगर कोई साइन दे, और साइन का प्रॉब्लम सिर्फ ना सुनने के कारण हो रहा है, सुनती नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा इसको साइन देना पड़ता है। और साइन देने पर सर किसी भी गाने पर ये डांस कर सकती है। इसका हौसला अपने आप में बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है इसका। अच्छा डांस बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आगे चल के डांस टीचर सर, आगे चल के डांस टीचर बनेगी बोल रही है।